हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सीरियसली कर रहे हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि उनके होम स्टेट में, होम टाउन में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जो मेजर डिपार्टमेंट है उनके बारे में भी बात करूँगा कुछ चीज़ें, और प्लस कुछ फॉर्मेशंस में चेंज की भी बात करूँगा, क्या क्या फॉर्मेशंस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ नई चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो जॉब में रहती है। तो लेट्स स्टार्ट थिंग बाय थिंग। और मेरा नाम हेमंत है और मेरे बारे में आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सीजीएल 2024 का जीएसटी स्पेक्टर के लिए है। अभी जो एट प्रेजेंट आपको विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, इसमें अगर आप देखो तो मैं भुवनेश्वर की ऑलरेडी शेयर कर चुका था, जो बच्चे नए हैं वो देख सकते हैं। उड़ीसा से दिल्ली जीएसटी की 39 है। अभी इसके बारे में मैं बात करूँगा, क्या ये वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखोगे जो बड़ा हमें देखने को मिल रहा है इस टाइम पर वैकेंसीज का, वो है वडोदरा जोन। वडोदरा जोन के मैं बात करूँगा। वडोदरा जोन में मैंने लगभग 5 साल जॉब करी है जीएसटी में, इसके बारे में मैं बात करूँगा। 291 वैकेंसीज है ओवरऑल, बट आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी की एक ही सीट है, ज़्यादातर ओबीसी की है। तो ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मेशन की मैं अभी जो बात कर रहा था ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। ठीक है, अब कोलकाता जीएसटी में देखोगे तो फेयर इनफ है कि 412 है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सा लग रहा है। हालांकि अगर 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का देखें तो उस हिसाब से 41 वैकेंसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। जयपुर की देखें तो 29 है और हैदराबाद जीएसटी में 39। हैदराबाद में लास्ट ईयर 500 से ज़्यादा वैकेंसी थी, बट इस बार काफ़ी कम है क्योंकि जोन की स्ट्रेंथ ही जितनी है वो अकोमोडेट हो गई है। ठीक है, लगभग गोवा जीएसटी में 7 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और लखनऊ में 37। हालांकि लखनऊ में प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं तो भी ये वैकेंसी आना बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, क्योंकि लखनऊ की कंसिस्टेंटली इतनी ही वैकेंसी आती है। 95 मुंबई जोन में है, 83 आपकी रांची जोन में, तो 46 त्रिवेंद्रम में। अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ दो बड़े चीज़ों के बारे में, एक जो फॉर्मेशन में वैकेंसीज का, जैसे जनरल की एक ही वैकेंसीज है वडोदरा जोन में, तो होता क्या है कि ये ना क्रिएट होती है वैकेंसी। जैसे आपका प्रमोशन हो गया, आपका सपोज ओबीसी और जनरल एक में काउंट होते हैं, प्रमोशन में एससी एसटी और आपके एक में काउंट होते हैं, तो एससी एसटी का प्रमोशन फास्ट हो जाता है, उस वजह से वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। दूसरा रीज़न रिटायरमेंट और प्रमोशन। प्रमोशन हमने डिस्कस कर लिया, रिटायरमेंट, रिटायर अगर जिस कैटेगरी में हो गया वहाँ की वो वैकेंसी क्रिएट होती जाती है। प्लस जोनल जोन जो है अपनी जोनल स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, तो उस हिसाब से भी वैकेंसीज अकोमोडेट होती हैं। यूआर की हो सकता है कि वहाँ पर स्ट्रेंथ में जितने थे वो पिछले ईयर से रिक्रूट हो गए हैं और ओबीसी के उतने नहीं हैं, तो इस वजह से ओबीसी में ज़्यादा रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस हर साल में किसी न किसी जोन में देखने को मिलता है। तो इसका ये नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है या बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ है। ठीक है, हर साल किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम होता ही है। अगर मैं बात करूँ वडोदरा में ही वर्किंग की, तो वडोदरा में जीएसटी में एक फ़ायदा होता है कि वडोदरा में कस्टम्स जो होता है वो वडोदरा का कस्टम्स जीएसटी वाले ही देखते हैं, अनलाइक मुंबई चेन्नई जो कोस्टल एरियाज हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोस्टल एरिया फर्स्ट। ठीक है, मैं अभी और जगह की बात नहीं कर रहा, जैसे दिल्ली में भी जीएसटी वाले कस्टम देखते हैं, बट कोस्टल एरिया की मैं जो बात करूँ तो कोस्टल में, अदर कोस्टल रीजन्स में, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, विशाखापत्तनम हो, त्रिवेंद्रम हो, या आपका गोवा हो, आपका जो भी ऐसे एरियाज हैं, वहाँ पर कस्टम्स की फॉर्मेशन अलग है। वहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर होते हैं। ये बड़े जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वडोदरा एक अकेला ऐसा है जिसमें जीएसटी वाले ही जाते हैं, यानी वडोदरा में आपको डॉक एग्जामिनेशन, डॉक प्रिवेंटिव, ठीक है, और आपको ये ऐसे चार्ज देखने को मिलते हैं, और एक होता है रमेजिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, तो R&I, ये आपको ऐसे चार्ज देखने को मिलेंगे वडोदरा जोन में जो एक्चुअली कस्टम्स के होते हैं। तो वडोदरा कस्टम, मुंद्रा, कांडला, जामनगर, भावनगर, ये सारे जो वहाँ पर हैं वो वडोदरा जोन के इंस्पेक्टर्स ही वहाँ जाते हैं लगभग 4-5 साल के लिए। ठीक है, तो ये पॉलिसी में रहता है, सीनियोरिटी बेसिस पे जाते हैं। सपोज आप जीएसटी ज्वाइन करते हो, इंस्पेक्टर 5 साल आपने जीएसटी में काटे, उसके बाद सीनियोरिटी लिस्ट में 5 साल आप कस्टम्स में चले गए, तो लगभग 8 साल आप इंस्पेक्टर से प्रमोट हो जाते हो सुपरिटेंडेंट में, 8 से 10 साल में, तो आप पूरा फॉर्मेशन देख लेते हो। मेरे हिसाब से इतना साल होना भी चाहिए, क्योंकि वरना पूरा फॉर्मेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नहीं देख पाओगे। वैसे सुपरिटेंडेंट देख लोगे, बट वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर सुपरवाइजरी रोल आ जाता है, आप खुद ग्राउंड लेवल पर उतनी मेहनत नहीं कर पाते हो और ना देख पाते हो। ठीक है, तो वडोदरा जोन में
आपका बहुत बड़ा जोन है, लगभग आपका डिवाइड हो रखा है अहमदाबाद और वडोदरा में। वडोदरा के अंदर आपकी ये पूरी जो मुंबई से बेल्ट टच होती है वडोदरा की, रतलाम तक वो आती है पूरी, उसमें आपका वापी, सूरत, वडोदरा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये दमन वगैरह सब वापी को ही बोलते हैं, वो सब उसमें आ जाता है, एक पूरी स्ट्रेट चेन है उसमें आती है। फिर अहमदाबाद का उस साइड का एरिया आ जाता है, राजकोट, भावनगर और जितना जामनगर, वो पूरा एरिया आपका अहमदाबाद साइड आ जाता है। फिर कस्टम्स में दोनों जाते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट भी आ जाता है कस्टम्स में। तो ये था वडोदरा जोन की बात, वडोदरा इज़ गुड फॉर लिविंग और अच्छी जगह है। अब मैं बात करूँ अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी 39 वैकेंसीज़ हैं, तो 39 में ये मान के चलो कि आपकी ये वैकेंसीज़ और इंक्रीज़ होंगी। अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तैयारी कर रहे हैं और उनके बहुत सारे डाउट आते हैं, उनको मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। नियोन एक पब्लिकेशन है जहाँ से बुक वो पब्लिश करते हैं, इनका यूट्यूब पर भी चैनल है जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, निमिषा मैम बंसल, ये इंग्लिश पढ़ाती हैं, बैंकिंग वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी है और एसएससी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इनकी बुक है अवतार 2, वो ईडीएम के लिए आई है, ईडीएम के लिए बहुत अच्छी बुक निकाली इन्होंने। इस बुक में क्या है, आपको इमेजेस और ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो एक्चुअल में बताया है, उसके हिसाब से फिर आपकी टेक्निक बनेगी कि आपको याद कैसे करना है। जैसे आपको कोई भी ईडीएम है, आपको उसकी इमेज दिखेगी, उसका ओरिजिन दिखेगा, और आपको एक तरीके से मान सकते हो कि जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी तो आपकी लर्निंग स्किल, आपके दिमाग में रिटेन ज़्यादा होगा वो ईडीएम। ऐसे 3000 से ज़्यादा ईडीएम इसके अंदर हैं, फ्रेजल वर्ब भी हैं इसके अंदर, होमोनिम भी हैं। आपके इस बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 30 से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, एक कंप्लीट मान सकते हो ईडीएम फ्रेज का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और इससे भी अच्छी बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, ये टेलीग्राम चैनल एसएससी कोर 123 नियोन पब्लिकेशन के टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने डाउनलोड करें अपने आईपैड, कंप्यूटर, मोबाइल, जिसमें देखनी है आप पूरे ईडीएम पढ़ लें। आजकल तो आप स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, आप जैसे जैसे याद करते जाएं। कुछ नया अगर आपको ईडीएम देखने को मिल रहा है तो उसे आप नोट डाउन कर लें, मेरा मानना यही, मैं ऐसे ही करता था, कुछ भी नई चीज़ दिखती थी इंग्लिश में उसे नोट डाउन कर लेता, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड आउट ऑफ 200 193 मार्क्स। और ऐसे ही मेरे लगभग 95 के अप्रॉक्स परसेंटेज बनी है हर बार एसएससी सीजीएल में, जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो मैं आपसे बात करने वाला था अभी दिल्ली जोन की जो 39 वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। ये वैकेंसीज देखो बढ़ने के चांस है या नहीं है पहले वो डिस्कस करते हैं। जो प्रमोशंस हुए थे अभी दिल्ली जोन में, जैसे मैं वर्किंग हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली जोन के अंदर इसमें क्या हुआ था कि अभी आपके 300 से ज़्यादा प्रमोशंस हुए, फिर कोर्ट ने ये करा कि स्टे लगा दिया कि अभी आप प्रमोट नहीं करेंगे। कुछ सीनियोरिटी का इशू चल रहा है जो प्रमोटी हैं और जो डायरेक्ट हैं उनमें, ठीक है। तो इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में क्या है आपका जो नोशनल इफेक्ट है, यानी कि अभी जो प्रमोट हुए थे उनको 2021 से प्रमोशन इफेक्ट दिया, किसी को 22 से दिया, किसी को 23 से दिया, तो उस बेसिस पर स्टे लग गया है कि 2021 से ना देके 22 से दें। प्रमोशंस डेफिनेटली होंगे ये, ठीक है, इशू सिर्फ नोशनल और सीनियोरिटी बेसिस का है कुछ। तो आप अगर देखोगे ये अगर अभी हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ जाती, क्योंकि 300 वैकेंसी लगभग दिल्ली जोन में 2200 इंस्पेक्टर की सेक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें 1500 वर्किंग है, अगर हम 300 हटा देते तो 1200 रह जाते, उस हिसाब से लगभग 200 इंस्पेक्टर पक्का आते ही आते दिल्ली जोन के अंदर। अगर इस साल नहीं आते हैं, अगर वर्किंग जैसा चल रहा है, अगर मान लो प्रमोट नहीं हो पाए, वैसे उम्मीद है कि ये जुलाई अगस्त तक प्रमोट हो जाए शायद, अगर इन केस नहीं होते तो 2025 में ही रिपोर्ट होंगी। अगर फिर भी अगर इस साल के अक्टूबर नवंबर तक हो गए मेन से पहले, तो एसएससी एक बार और विंडो ओपन करता है जिसमें वो वैकेंसी के लिए कॉल फॉर करता है, तो वहाँ ये जुड़ सकती है फिर जाके, ठीक है। अब मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो ये कुछ जोन्स हैं जिनकी रिपोर्ट हुई है, कोलकाता और आपका वडोदरा और लखनऊ। अभी इस बार बहुत कम है, लास्ट ईयर 22 में बहुत ज़्यादा आई थी, 2022 के अंदर लास्ट ईयर, उस टाइम पे क्या था कि नया रूल आया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कि अब जो है इनको डायरेक्ट भी लिया जाएगा। पहले सिर्फ प्रमोशनल सीट्स होती थी, ये डायरेक्ट नहीं आते थे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। जब से डायरेक्ट आने लगे उस साल 700 से ज़्यादा इसकी रिपोर्टिंग हुई और सारे जोन्स में ऑलमोस्ट फेल हो गया। अब लगभग ये वैकेंसी आपको 3 से 4 साल बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका 5 साल का रूल होता है प्रमोशन का, ये 5 साल बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, उसमें भी वही बनेंगे जो इंस्पेक्टर के क्राइटेरिया को मीट करेंगे उस टाइम पर, यानी हाइट होनी चाहिए प्लस आपका कलर ब्लेंड नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बाद टैक्स असिस्टेंट की लगभग 7.5 साल की सर्विस अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, बट टू बी इन द रियलिटी, टू बी वेरी फ्रेंक, कि आपके इस टाइम पर इतने टैक्स असिस्टेंट है कि 7.5 साल में आना मुश्किल है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पास कर ही लेंगे, ठीक है। तो लगभग 15 साल लगते हैं TA2 इंस्पेक्टर, ठीक है।
और आप देखोगे दिल्ली जोन में जो है आपके चेन्नई में 76, दिल्ली के अंदर आपके 112, तो अच्छा मौका है। हो सकता है कोई नया रूल बना के जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो जो दिल्ली लेना चाहते हैं उनके पास अच्छा गोल्डन चांस है। टोटल 625 रिपोर्ट हो चुकी है, कोलकाता में 154, वडोदरा में 168, ये बड़े जोन से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में 51। तो आपकी स्क्रीन पर है सब कुछ। एग्जामिनर की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनर में सिर्फ अभी तक कोलकाता की आई है और गोवा की आई है, ठीक है। विशाखापट्टनम की भी हमारे पास आ गई थी, मैं यहाँ डालना भूल गया हूँ, उसकी पिछली वीडियो में मैंने उसका बता दिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम की भी आ चुकी है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखोगे प्रिवेंटिव ऑफिसर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर चेन्नई में आपके लगभग 117 है, 77 आपके कोलकाता में, विशाखापट्टनम में 14 है, गोवा में 18 है। दो जोन और बचते हैं, मुंबई सबसे बड़ा जोन है कस्टम्स के लिए, यहाँ देखना है कि कितनी रिपोर्ट होती है, और इसके साथ साथ आपका त्रिवेंद्रम में देखनी है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की। तो ये लगभग आपकी 350, ये लगभग आपकी 400 तक जाएगी, क्योंकि मुंबई बड़ा जोन होता है कस्टम्स में, प्रमोशन वहाँ फास्ट होते हैं। कस्टम्स एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन है जहाँ आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए अगर आपको जीएसटी और कस्टम्स में एक ऑप्शन मिलता है तो, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने पिछली बार 2022 में आप देखोगे सारा डाटा निकाल के, चाहे वो आरटीआई से हो चाहे जैसे भी हो, आपको प्रोवाइड किया था, हर पोस्ट का प्रोवाइड किया था हमने 2022 के अंदर। इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारा डाटा दे दें, चाहे वो 27 से ऊपर की पोस्ट का हो, 27 से नीचे की। 27 से ऊपर की वो पोस्ट है जो कि 4600 और 4200 ग्रेड पे की है, लगभग ग्रुप सी की पोस्ट एक्सेप्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सारी की सारी आपकी 27 से नीचे की मानी जाती है, ठीक है। ग्रुप बी की जो 4600-4200 वही आपकी 30 साल तक है, 32 साल तक जेएसओ की रहती है और डबल ए होगी, तो 30 साल से ऊपर वालों के लिए भी अच्छी चीज़ रहती है। टेस्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, आपको जरूर लेनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और आप रियल टाइम में कम्पीट करते हो उन्हीं बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं। अभी इसका रेट 351 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको कोड यूज़ करना CORE, आज लास्ट डेट है सेल का। ये हमारी कुछ RTI से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।